को केंद्र से जातीय जनगणना कराना चाहिए। इस देश में जिस जाति की जितनी संख्या बतावे वो ही केंद्र में है ना सरकार। 10 सालों से कर रहे हैं राज, तो केवल हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर बिहार सरकार को घेरती हुई नजर आई विपक्ष। बता दें आपको कि विपक्ष लगातार जातीय गणना को लेकर सवाल खड़ा करती हुई नजर आई। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इन सब का जवाब दिया। पलटवार करते उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि जातीय गणना का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो गलत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलकर पूरे देश में जातीय जनगणना करवा ले। इसी के साथ साथ अमित शाह के बिहार दौरे पर भी प्रहार करते हुए नजर आए भाई वीरेंद्र और कहा कि अमित शाह जो हैं वो देश का पैसा ऐसे ही बेकार करते हैं, इसी तरीके से बर्बाद करते हैं, बिहार आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे भाई वीरेंद्र, पहले आप वो सुने। सवाल है कि नहीं, देश में राज उनका है, उनको केंद्र से जातीय जनगणना कराना चाहिए। इस देश में जिस जाति की जितनी संख्या बतावे वो ही केंद्र में है ना सरकार। 10 सालों से कर रहे हैं राज, तो केवल हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर चलना चाहती है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जिंदा रहते हुए, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रहते हुए, महागठबंधन के नेताओं के रहते यहाँ कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। अरे हम लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि हे छठी मैया, गंगा नदी में नहीं ऐसे इनको तालाब में डुबाइए कि देश कम से कम आजाद हो जाए। फिर से जैसे देश के लोगों के साथ जिस तरह से जुमलाबाजी कर रहे हैं वो जुमला बंद हो जाए। जब ने कहा कि संपर्क में है चुनाव लड़ने का तो कौन भाग? अरे अब आपको बता दें जब समय आएगा तो बताएंगे। संपर्क में लोग हैं, बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग संपर्क में हैं, आएगा समय तो आपको पता चल जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जंगल राज। अच्छा, अमित शाह को बोलने आता है? वो तो देश का पैसा केवल यहाँ बर्बाद करने आ रहे हैं। बिहार में कुछ मिलने वाला है? 40 में 40 इंडिया गठबंधन को सीट जाने जा रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। डिप्टी सीएम से इस्तीफा मांग रहे भाजपा के लोग। अच्छा, मांग रहे हैं तो उनका काम है, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष काम यही है कि डिस्ट्रक्टिव काम करना, कंस्ट्रक्टिव तो काम करना है नहीं, इसलिए मांग रहे हैं, मांगने दीजिए। ओके, जातीय गणना रिपोर्ट पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उन लोगों को इतनी ही आपत्ति है तो वो देश के प्रधानमंत्री को कहकर पूरे देश में जातीय गणना करवा ले। इसी के साथ साथ उन्होंने अमित शाह को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद कर रहे, कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने बड़ा दावा भी किया है कि बीजेपी के और एनडीए के नेता महागठबंधन सरकार के संपर्क में है, किसी भी वक्त वो लोग पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ सकते हैं। यह दावा करते हुए नजर आए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।